दोस्तों इंस्टाग्राम पर काफी सारे लोग यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, लिखा हुआ आ रहा है नो यूजर फाउंड। यानी कि इंस्टाग्राम पर अगर आप अपने अकाउंट को लॉगिन करने जाते हो लॉगिन हेल्प में जाकर, तो यहाँ पर जब आप अपना यूजर नेम एंटर करते हो, जो भी आपका यूजर नेम है, फिर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी कुछ भी एंटर करते हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है नो यूजर फाउंड। अब यहाँ पर दोस्तों ये क्यों आता है एंड इसका सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। काफी सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट करा था कि भाई हमारे इंस्टाग्राम में ये प्रॉब्लम आ रही है, हम जब अपनी इंस्टाग्राम आईडी को लॉगिन करने जा रहे हैं तो वहां पर लिखा हुआ आ रहा है नो यूजर फाउंड। यानी कि इस इंस्टाग्राम यूजर नेम से या फिर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से कोई भी इंस्टाग्राम पर अकाउंट मौजूद ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है एंड इसको किस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो, इंस्टाग्राम के न्यू यूजर फाउंड प्रॉब्लम को, इस वीडियो में आप सभी लोगों को पता लगने वाला है। तो ऐसे दो सिंपल टिप्स जो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, दो सिंपल तरीके जो वो बताने वाला हूं, जिसका यूज करके आप इस प्रॉब्लम को इजीली फिक्स कर सकते हो एंड अपने अकाउंट को जो है रिकवर कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक वॉच कर लेना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आप जो इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल चैनल पर सबसे पहले। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी बकवास करते हैं भाई टैग की शुरुआत। तो चलिए गाइस, यहां पर मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि आपको किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है यूजर नॉट फाउंड को। सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर लॉग इन हेल्प वाला पेज है, इसके अंदर आ जाना है। अब यहां पर आपको करना पड़ेगा, यहां पर आपको अपना अकाउंट का जो यूजर नेम उसको सबसे पहले एंटर कर देना है। तो यहां पर मैं अपने जो अकाउंट का यूजर नेम उसको एंटर कर देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करूंगा यहां पर देख लीजिए लिखा हुआ आ रहा है नो यूजर फाउंड। अब यहां पर दोस्तों आपको किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी आप अपने अकाउंट का यूजर नेम डाल रहे हो उसमें सबसे पहले आगे जो है @ लगा दीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम का यूजर नेम में @ जरूर लगता है। तो आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉग इन करते टाइम यहां पर इसको ढूंढते टाइम अपने अकाउंट को सबसे पहले @ जरूर लगाना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपका जो अकाउंट है वो शो हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको करना पड़ेगा, आपको एक चीज का और ज्यादा ध्यान रखना है कि आप यहां पर जब आप फाइंड योर अकाउंट पर आकर अपना यूजर नेम एंटर करते हो तो आपको सारी चीजें जो भी आपका यूजर नेम आपको बिल्कुल करेक्टली सेम यूजर नेम उसको एंटर करना है। अगर आपने यहां पर कोई कॉमा दिया है तो उस कॉमा को लगाइए, अगर आपने कोई डॉट दिया है बीच में अपने यूजर नेम के बीच में तो उसको भी लगाइए, क्योंकि यहां पर अगर आप एक भी जो सिंबल है या फिर उसको कोई भी यहां पर स्पेलिंग है अगर उसमें मिस्टेक करते हो तो आपके में यहां पर न्यू यूजर फाउंड की यही प्रॉब्लम सेम आती रहेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने अकाउंट का यूजर नेम चेक कर लेना है कि आपके अकाउंट का जो यूजर नेम था वो यहां पर क्या था। इतना काम करने के बाद अगर फिर भी आपके में यहां पर जो ये नो यूजर फाउंड की प्रॉब्लम है ये शो करे तो फिर आपका अकाउंट जो है वो इंस्टाग्राम की तरफ से डिलीट कर दिया गया है। अब दोस्तों यहां पर सेकंड ट्रिक की बात कर लेते हैं, जो सेकंड काम है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर क्या करना है, अगर दोस्तों इतना काम करने के बाद भी आपने बिल्कुल स्पेलिंग भी सारी करेक्ट डाली है, सारी चीजें एकदम परफेक्ट डाली है, बट फिर भी आपके में यहां पर नो यूजर फाउंड ही दिखा रहा है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको आना है बैक इंस्टाग्राम से बिल्कुल एंड यहां पर इंस्टाग्राम के अंदर आपको कोई अपनी सेकंड जो आईडी है उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे कि यहां पर मेरी जो सेकंड आईडी है मैंने उसको लॉगिन कर रखा है। आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम पर किसी भी एक सेकंड आईडी को लॉगिन कर लेना है, उसके बाद थ्री डॉट्स पर लाइन पर करना है क्लिक, सेटिंग्स पर करना है क्लिक, नीचे एक हेल्प ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कर देना है। हेल्प ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम का आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर करना है क्लिक, उसके बाद इसको ऑफ कर दीजिए, रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पर कर दीजिए क्लिक। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले गैलरी के अंदर से एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट आपको कौन सा लेना है, स्क्रीनशॉट आपको ये वाला लेना है जहां पर लिखा हुआ है नो यूजर फाउंड, इस वाले पेज का आपको सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, इसको कर दीजिए डिलीट एंड यहां पर जो आपने स्क्रीनशॉट अभी लिया था उसको बस रहने दीजिए। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको अपनी रिपोर्ट लिखनी है जो भी आप यहां पर इंस्टाग्राम टीम के पास सेंड करना चाहते हो। तो यहां पर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको सिंपली वहां से कॉपी करके यहां पर लाकर पेस्ट कर देना। तो यहां पर मैं आपको फिर भी एक बार लिखकर दिखा देता हूं, हेलो इंस्टाग्राम टीम माई इंस्टाग्राम अकाउंट, इतना लिखिए, उसके बाद अपना यूजर नेम एंटर कर दीजिए जो भी आपके अकाउंट का यूजर नेम था। यहाँ पर भी आपको जो स्पेलिंग है उनको बिल्कुल भी यहाँ पर सही तरीके से डालना है, बिल्कुल भी स्पेलिंग में कोई भी गलती नहीं करनी है। हेलो इंस्टाग्राम टीम माई इंस्टाग्राम अकाउंट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम इंस्टाग्राम, सो प्लीज रिकवर माई अकाउंट, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी, इतना लिख दीजिए। ये जो सब मैंने लिखा है वो दोस्तों जल्दी जल्दी में लिखा है, तो जो मिस्टेक होंगी उसको इग्नोर कर दीजिए, बट आपको जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा बिल्कुल एकदम करेक्ट दूंगा एंड आपको बस उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब नीचे यहाँ पर आपको करना है क्लिक, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लिख देना है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद कुछ इस तरीके का कॉमा दे दीजिए एंड जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसको यहाँ पर सिंपली एंटर कर दीजिए जो भी आपके फ़ोन में डली हुई है। उसके बाद नीचे आइए, मोबाइल नंबर लिखिए, मोबाइल नंबर
एंड जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके पास हो या फिर दोस्तों आपके जो आईडी के अंदर जो वेरीफाई था जो लगा हुआ था उसको लिख दीजिए एंड नीचे फिर से क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर लिखिए यूज़र नेम। यूज़र नेम लिखने के बाद जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम था उस यूज़र नेम को डाल दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। यूज़र नेम को डाल दीजिए, नीचे यहाँ पर फिर से एक बार क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर डाल दीजिए थैंक यू इंस्टाग्राम टीम। इतना काम करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो सेंड रिपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक कर देना है, सेंड रिपोर्ट पर कर देना है क्लिक। अब आप यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया थैंक यू और फीडबैक हेल्प मी यू इंस्टाग्राम फॉर एवरी वन। तो यहाँ पर आपकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर सेंड हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों 24 आवर्स के अंदर या फिर दोस्तों 74 आवर्स के अंदर आपके पास यहाँ पर जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस होगा वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, अपने अकाउंट को जो वो लॉग इन कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना एंड अगर दोस्तों इतना काम करने के बाद भी आपकी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो लॉग इन नहीं हो पा रही तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी आईडी जो वो लॉग इन नहीं हो पा रही है, तो उस पर मैं एक और वीडियो बना दूंगा। एक मेरे पास ट्रिक और है जिसका यूज करके आप इजिली अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हो, न्यू यूजर फाउंड की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक जरूर करते रहना एंड चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। चलिए गाइस आज की वीडियो पसंद आई, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।